19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, इस दिन भद्रा का शहर है। आखिर बकरा की छाया में क्यों कोई सुखता नहीं होता, ये पंडित जी से जानते हैं। और राखी बंधन का शुभ मुहूर्त, राखी का रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भारत में बड़ा मुख्य भाई और बहनों के बीच में कहा जाता है। इसमें भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देता है कि हे बहन, मैं आपकी सदैव रक्षा करूंगा, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ये कृष्ण जी के संबंध में भी आता है तथा भगवान राम तथा भगवान विष्णु के संबंध से भी कहा जाता है। अनेक प्रकार की इसमें पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं तथा भारत में बड़ा पवित्र यह बंधन माना जाता है भाई और बहन का, उसके उपलक्ष्य में यह रक्षाबंधन मनाई जाती है। इस बार 19 अगस्त को यह रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, जो कि सोमवार को हो रहा है। यहाँ पर कुछ समय से चल रहा है भद्राकाल का। भद्राकाल कब से होती है? भद्राकाल 18 अगस्त को रात्रि से प्रारंभ होगा, जो कि 19 अगस्त तक रहेगा। और शुभ समय इसमें रक्षाबंधन का देखा जाए तो 1 बजे से तो रात्रि 8 बजे तक शुभ समय रहेगा। इसमें कुछ मुख्य योग आ रहे हैं, जिसमें सोहन योग आ रहा है, रवि कुश योग आ रहा है और अनेक प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अपन रक्षाबंधन बना सकते हैं। और एक बहन अपने भाई को कि शुभ जीवन की कामना के लिए, उसकी आयु की कामना के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान से कि जिस प्रकार मेरा भाई है वो अच्छे से रहे और उसका अच्छा कार्य हो और अच्छे वो प्रगति रहे, बहन ये इस प्रकार की कामना करती है तथा अपने भाई से इस कामनाओं पर यह मांगती है कि वह सदैव मेरी रक्षा करे। अगर मेरा भाई ठीक रहेगा तो सदैव मेरी रक्षा करेगा, मेरे परिवार की रक्षा करेगा तथा हमारे माता पिता के साथ में हमारी भी रक्षा करे। और इस प्रकार ये भाई बहन के बंधनों के बीच का ये शुभ त्यौहार मना जाता है।